सब ने नाम सुना होगा हज़रत सैदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। एक खतून आई मसला पूछने, खतून का तकवा देखें और मसले की नज़ाकत देखें और उसका खौफ खुदा का अंदाज़ा लगाएं। वो कहती है मैंने सूत काटती हूँ, कपास जो है ना वो धागा वगैरह बनाना मेरा ये काम है, तो मैं ना छत पे सूत काटती हूँ, तो रात को जब बादशाह के घोड़े गुजरते हैं ना, सवारी गुजरती है, तो उसकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसके चिराग रोशनी उसकी बहुत ज़्यादा, वो रोशनी मेरी छत पर आती है और उस रोशनी की वजह से ना मेरा हाथ तेज़ हो जाता है। क्या वो जो बादशाह की रोशनी बग़ैर इजाज़त में इस्तेमाल करके सूत काट रही हूँ, क्या ये मेरे लिए हलाल, क्या ये मेरे लिए हलाल है? कुंडियाँ डालने वाले सोचें इस बात को, जो लोगों के मीटरों पे कुंडियाँ डाल के चले जाते हैं, अल्लाह अकबर। वो कहने लगी क्या ये मेरे लिए हलाल है? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा कि तुम कौन हो? क्या कहा, कौन है जी आप? वो कहने लगी साहिल की ज़ात नहीं पूछी जाती, मसला बताया जाता है। तो आप फरमाने लगे साहिल की ज़ात को देखते हुए मसला बदल भी जाता है। तो उसने पता क्या कहा, वो कहने लगी मैं बिशर हाफ़ी की बहन हूँ, हज़रत बिशर हाफ़ी की बहन हूँ। तो फरमाया फिर तेरे लिए जायज़ नहीं है, तेरे लिए फिर जायज़ नहीं है, आम के लोगों के लिए जायज़ है लेकिन तुम्हारे लिए जायज़ है, क्योंकि आप तकवा के एक आला मयार पे हैं, यानी कि जब इंसान